प्रेमिका के 3 साल के बेटी के साथ दरिंदगी की हद पर दुष्कर्म के बाद की हत्या। कर्नाटक के बेंगलुरु से मानवता को शर्मसार करने वाली एक वारदात सामने आई है। दरअसल यहां एक व्यक्ति ने 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि आरोपी बच्ची को जानता था। दरअसल पीड़िता की माँ और आरोपी के बीच पिछले 1 साल से प्रेम संबंध था। पीड़िता अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी। पीड़िता की माँ एक कारखाने में काम करती थी। पार की दरिंदगी की सारी हदें। यह घटना कर्नाटक के पश्चिमी हिस्से में कामाक्षी पाल्य पुलिस थाने की है। कथित तौर पर आरोपी उस वक्त पीड़िता के घर गया जब उसकी माँ घर पर नहीं थी। इसके बाद आरोपी ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। इतना ही नहीं, मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने उसकी हत्या भी कर दी। हालांकि आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मासूम को दुष्कर्म के बाद उतारा मौत के घाट। हाल ही में महाराष्ट्र के ठाणे से एक ऐसी घटना सामने आई थी। दरअसल ठाणे के भिवंडी में एक 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। बताया जा रहा है कि बच्ची के पिता एक कबाड़ की दुकान में काम करते थे और उसकी माँ एक बैग बनाने वाली कंपनी में काम करती थी। जब वे शाम को काम से घर लौट रहे थे तब पीड़िता के 2 भाई घर पर मौजूद थे, लेकिन उनकी बेटी गायब थी। इसके बाद कुछ पड़ोसियों के साथ मिलकर आसपास खोजा गया, लेकिन वो नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। पुलिस की टीम ने बच्ची की तलाश शुरू की तो सुबह जंगल के पास उस बच्ची का शव मिला, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। हालांकि अज्ञातों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है।